तो बिजनेस बचाने के लिए आप लोगों ने बेटे की ख्वाहिश की सौदेबाजी कर ली। वैसे कितने में डील डन हुई? रफाकत, मेरा बेटा चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? कुछ नहीं होगा, उसके जहन से उष्णा का ख्याल निकलने दो, उसकी शादी हो जाएगी, भुला लेंगे उसे वापस कुछ अरसे। नहीं मानेगा, मैं बता रही हूं आपको। कुछ भी करके उसे मनाना तो होगा, वहां आपके साथ लड़ाई लेके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान ही होगा। तो बिजनेस बचाने के लिए आप लोगों ने बेटे की ख्वाहिश की सौदेबाजी कर ली। वैसे कितने में डील डन हुई? क्या शर्त लगाई आप लोगों ने उनसे? कि मैं उष्णा का ख्याल अपने दिल से निकाल दूं? नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। गलत फहमी थी पहले, अब अपने कानों से पूरी बात सुन के पूरा यकीन आ गया कि आप लोग अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोग तो सांप निकले जो अपने बच्चे को भी खा जाता। क्या बकवास कर रहे हो? क्या चाहते क्या हो तुम्हें? ये जो सब कुछ बना बनाया है, ये तबाह हो जाए, फुटपाथ पे आ जाएं हम लोग। आप लोगों ने अपने भले के अलावा कभी आज तक किसी और का भला सोचा? आज मैं जिस फेज से गुजर रहा हूं ना, ये सब आप लोगों की वजह से। तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी हुई है जो इल्जाम हमें दे रहे हो? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को हासिल करने के लिए जो मैं कोशिश कर रहा हूं, उसकी डील करने के बाद आप मुझसे कमी की बात कर रहे हैं? बेटा, हम सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं ना। नहीं चाहिए मुझे ऐसी भलाई जिसमें मुझे उष्णा से दूर जाना पड़े। बस करो, उष्णा उष्णा उष्णा, अब तुम्हारे मुंह से ये नाम सुनना नहीं चाहता मैं। बस फैसला हो गया, तुम्हें जाना होगा, डील साइन कर चुका हूं मैं। मैं नहीं मानता ऐसी किसी डील को, और ना ही मैं इस डील का हिस्सा बनूंगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यह बात आप लोग जितनी जल्दी समझ लें नहीं अच्छा। इसका दिमाग ही खराब हो गया। मेरा बच्चा समझने को नहीं तैयार तुम्हारा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।